जो कुछ भी बड़ी चीज आती है इस मनुष्य के पास, वो किसी न किसी प्रकार व्यक्ति के माध्यम से आती है। कोई न्यूटन या कोई गांधी व्यक्तियों में ही होते हैं, तो व्यक्ति में वो स्फुरित होती है, चेतना का विकास जो होता है। तो चेतना का विकास हर व्यक्ति में ही स्फुरित होती हो ऐसा नहीं है, व्यक्ति विशेष में वो ज्यादा स्फुरित होती है। लेकिन मध्ययुग में जो जिस बात का हमारे प्रगतिशील भाई जिसका विरोध करते हैं, वो व्यक्ति क्या ही एकमात्र हित, अर्थात मैं मुक्त हो जाऊं या मैं किसी व्यक्ति को मुक्त करने में समर्थ हो जाऊं, ये इतनी जो बुद्धि है ये सीमित बुद्धि का परिचायक है। ये जो धीरे धीरे जो मनुष्य का जो विकास हो रहा है, उस विकास में अगर आप देखें तो आधुनिक युग की 100-150 वर्षों का अगर आप इतिहास देखें, तो कुछ दिन पहले तक साहित्य में ये धारणा बनी रही कि व्यक्ति की मुक्ति हो जाना सबसे उत्तम है। लोगों की दृष्टि ज्यादातर स्वर्ग में, परजन्म में, इस लोक से परे किसी लोक में विश्वास रखता था, चाहे वो कितना भी सुधरा निखरा हुआ रूप हो, लेकिन इस तरह का विश्वास था। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक युग के सूत्रपात के साथ, जैसे जैसे वैज्ञानिक समृद्धि हमारी हुई है, सोचने की जो दिशा है वो थोड़ी बदली है। अब मनुष्य को किसी परलोक में या परजन्म में मुक्त करने की बात नहीं होती, पुण्यार्जन की बात नहीं समझी जाती, ये मनुष्यता का तकाजा माना जाता है। पूरे के पूरे समाज का उद्धार होना चाहिए, ये चेतना का जो परिष्कृत रूप है वो व्यक्ति विशेष के मन में आता है। लेकिन वो अगर उसी तक सीमाबद्ध रह जाए, या कोई एक या दो व्यक्तियों तक वो सीमित रखे, जिसे वो अधिकारी समझता हो या सत्पात्र समझता हो, तो फिर वो जरा उतनी आजकल की दृष्टि में, और मैं समझता हूँ कि सही दृष्टि है, कि वो बहुत ऊंची चीज नहीं मानी जाएगी। होना ये चाहिए सामाजिक मनुष्य है, उसका कल्याण हो, वो मुक्त हो। इसे मैं सही अर्थों में प्रगतिशीलता समझता हूँ, किसी एक व्यक्ति का नहीं।